हाँ जी बेटा, अभी आप करेंगे क्वेश्चन, मैं बोलता जाऊंगा। गिवन क्या है? सबसे पहले ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान से देखना यार, गिवन क्या है। AD इज द एंगल बाय सेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए। देखो इंटीरियर की तरफ तो ये रहा और एक्सटीरियर की तरफ ये ब्राउन एंगल है, ठीक है? तो AD एक्सटीरियर एंगल का बायसेक्टर है, पहली बात। ऑफ ट्रेंगल ABC एंड BD बायसेक्ट एंगल B। जो BD है ना, ये देखो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन में लिख के आना है सब कुछ अच्छे से। ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव दैट ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो देखिए बेटा, जब भी ऐसा बाइसेक्ट वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप मान लो सी को कुछ ना कुछ मानोगे एंगल, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, क्योंकि मुझे पता है यार ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो जो एंगल सी होगा वही का वही एंगल बी होगा। और बी का आपने क्या खींचा है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या करता है? टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैं एक्स मानने की बजाय जानबूझ के 2x मानता हूं, क्योंकि इससे मेरा कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स में थीटा या एक्स मान के करवा रखा है, लेकिन मैं आपको कैसे करा रहा हूँ? 2x मान के। अब बताओ, अगर ए सी और ए बी इक्वल है, अगर एंगल सी 2x है, तो एंगल बी क्या होगा बोलो? 2x। व्हाट इज द रीजन माधव? अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये एंगल 2x है, तो ये एंगल 2x क्यों होगा? क्या अरे लिख एंगल्स के? अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हाँ, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये आपने लिख के आना। मैं लिख भी रहा, मैं मान के चल रहा हूं आप लिख लोगे इसे आप, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। जितना शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उतना टाइम बचेगा हमारा। मेन हमारा फंडा है कि आपको ये समझ आ जाए। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एक्स हो गए, 2x हो गए दोनों एंगल, ठीक है बेटा? अब बड़े ध्यान से समझो, एज बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। बी डी किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं? एंगल बी को। ऊपर वाला एंगल अगर कंप्लीट 2x है, तो ऊपर वाला एंगल कितना हुआ? एक्स हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात आओ, आप में से कितने बच्चों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है? अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, ये देखो ये री, इसका ये वाला भी 2x है, ये वाला भी 2x है, तो बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ बोलो? दोनों फोर का डबल हो गया, 2x प्लस 2x, 4x करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। दोनों ही जब 2x है, तो डबल करके लिख दो, हर बार तो नहीं करना, क्योंकि दोनों क्या है? 2x 2x के ही है। तो जब 2x प्लस 2x ऐड करोगे, तो बाहर क्या मिलेगा? 4x मिलेगा। अब AD क्या है? बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल का। AD क्या है? बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ये ऑरेंज वाला एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, इसके दो हिस्से करो, ऊपर वाला भी 2x और नीचे वाला भी 2x। शाबाश। अब बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया बेटा। अगर आप इसको देखो, ये रेड एंगल देख रहे हो सब बच्चे, ये कितने का है? 2x का। टिक लगा रहा हूं इस पर। और नीचे ABCD कितने का है बोलो? 2x का है। दोनों ही एंगल कितने के हैं बोलो? 2x के हैं। तो हम क्या लिख के आएंगे? इसका नाम भी दे दो कुछ, इसको प्रोड्यूस करके कुछ भी नाम दे सकते हो, अलाउड है ये। इसको मैंने पी नाम दे दिया। तो मैंने कह दिया सर PAD इक्वल टू PBC, दोनों ही एंगल क्या है? शाबाश, बताओ दोनों ही एंगल क्या है? 2x के इक्वल हो गए। तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे? एग्जाम में क्या लिख के आओगे? बट कॉरेस्पॉन्डिंग दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिख लोगे ना? ये तो मैं बड़ी फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग भी ऐसे ही आएगी, ठीक है? तो हेंस क्या? हेंस AD पैरेलल टू BC। तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ था हमने, AD पैरेलल टू BC प्रूव करो, हो गया। अब मेरा जो सेकंड पर्पस है इस क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू AD। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूव करना चाहता हूं, तो इनके अपोजिट एंगल्स प्रूव कर दो किसी तरह से इक्वल। तो जल्दी से बताओ, ए डी का अपोजिट एंगल क्या है? एक्स।
हाँ जी, एडी का अपोजिट एंगल क्या है? एक्स। और एबी का अपोजिट एंगल क्या है बोलो? एक्स। दोनों ही एंगल कितने के हैं? एक्स के। बताओ एडी का अपोजिट, एबी का अपोजिट एंगल एक्स क्यों लिख दिया मैंने एकदम से? कोई रीजन है? ऐसे ही लिख दिया हवा में, ऑल्टरनेट इंटीरियर। शाबाश। देखो बेटा ये एंगल बी, सॉरी सॉरी, एंगल बी जो था वो कंप्लीटली 2x था, तो क्योंकि वो बाइसेक्टर है तो नीचे वाला जो ब्लू एंगल है, ब्लू एंगल एक्स हो गया, दिख रहा है ये ब्लू एंगल। अब लाइनें अभी अभी पैरेलल प्रूव करी है, ताली चाली ताली, ठीक है? बिल्कुल, अभी अभी रिसेंटली मैंने प्रूव करी है कि एडी पैरेलल टू बीसी है। और अगर ये एंगल एक्स है क्यों होगा? क्या बात है, ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा बेटा? एक्स होगा। किस लिए होगा? ऑल्टरनेट, अच्छा तो लाइन में क्या हो गई? पैरेलल। पैरेलल तो हो गई, पैरेलल से ही तो प्रूव किया, ये थोड़ा ना लिख के हो गया लाइनें पैरेलल होगी। एडी पैरेलल टू बीसी तो दिया हुआ है, ये एंगल एक्स हो गया। किसकी वजह से हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। अब कौन सी ट्रायंगल उठाऊं? शाबाश, ए बी, ब्लैक वाली दिख रही है, इसका ये एंगल एक्स है और ये वाला भी एंगल एक्स है। अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो क्या होती है? वो ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, मींस ए बी इज इक्वल टू एडी वाला पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। कितने बच्चों को समझ आया? फिर से सुन लीजिए, एक्स क्यों हुआ था? ये एक्स है तो ये एक्स क्यों हुआ था? ऑल्टरनेट इंटीरियर, लाइन पैरेलल पहले ही प्रूव कर, और ये एक्स था ही बाइसेक्टर की वजह से। तो एक्स और एक्स इक्वल हो गए तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। क्या बात।